या मैम। हाल ही में सोशल मीडिया पर सोमी अली बॉलीवुड अदाकारा और सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड ने एक पोस्ट अपलोड किया, वो पोस्ट क्या था ये देखिए। ये था वो पोस्ट जिसे अपलोड करने के कुछ देर बाद सोमी अली जी ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। ये उनका इंस्टाग्राम आईडी है, रियल सोमी अली। क्या लिखा है इस पोस्ट में? इसमें लिखा है, मोर टू कम, बैन माय शो इन इंडिया, देन थ्रेटन मी विद अ लॉसूट, यू कावर्ड पीस ऑफ शिट, स्क्रू योर लॉयर, आई हैव 50 लॉयर्स हियर टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द सिगरेट बर्न्स, the physical abuse and the sodomy which you put me through and it lasted for years. So go fuck yourself. You male chauvinistic pig, and shame on all the female actors who support this guy who has beaten several women. Shame on all the male actors who support him. Bring it on, you weakling. And make sure you wear your insoles given your height is 5'6". It's time to go to war. Go fuck yourself. Hashtag truth. Hashtag better watch out SK. Hashtag predator. Hashtag woman beater. Hashtag wartime. Hashtag sadist. Hashtag Somi Ali. सवाल ये पैदा होता है कि ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के कुछ देर बाद सोमी अली जी ने इसे डिलीट क्यों किया? क्या उन पर कोई दबाव बनाया गया था? ऐसी क्या मजबूरी थी? सोमी अली जी को इस बात का खुलासा करना चाहिए। सोमी अली जी को मीडिया के सामने आकर बताना चाहिए कि उन्होंने सलमान खान पर ऐसे संगीन आरोप क्यों लगाए और इस पोस्ट को डिलीट करने के पीछे क्या कारण है। लोग कहते हैं, अरे सोमी अली तो पाकिस्तानी है, हम उन्हें क्यों सपोर्ट करें। बात यहां पर भारत और पाकिस्तान की नहीं हो रही है, बात यहां पर महिला के यौन शोषण की हो रही है। तो क्या अगर सोमी अली जी पाकिस्तानी हैं, क्या वो हमारी बहन नहीं हो सकती? क्या हम उन्हें अपना बहन नहीं मान सकते? ये कैसी बात हुई? अगर वो पाकिस्तानी महिला हैं तो क्या हम उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखा सकते? मैं आज आपके चैनलों के माध्यम के जरिए सोमी अली जी को ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि वो जब चाहे भारत देश में आ सकती हैं। भारत देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। वो जब चाहे यहाँ पर आ सकती हैं, अपने एनजीओ का प्रचार कर सकती हैं, यहाँ पर काम कर सकती हैं, अपने शुभचिंतकों से मिल सकती हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ की पुलिस की होनी चाहिए। हम तमाम भारतीय महिलाएं उनके साथ खड़ी हैं। हम उन्हें यहाँ पर एक मेहमान की तरह, एक बहन की तरह उनका ख्याल रखेंगे। क्या लगता है आपको कि वाकई सलमान खान जी जिस जो आरोप लग रहे सोमाली लगा रही है, वाकई ऐसे है या क्या कहेंगे आप इस तरह से? जो सोमी अली जी के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि जांच पड़ताल, छानबीन, तहकीकात ये करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। हम यहाँ पर पक्षपात करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम केवल ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या यौन शोषण करना एक्सेप्टेबल है, क्या इसकी इजाजत देता है हमें ये समाज। और अगर महिला संगीन आरोप लगाती है तो क्या पुलिस प्रशासन को
उन आरोपों को नजरअंदाज करना चाहिए या छानबीन करके पता लगाना चाहिए कि आखिरकार क्या हुआ। मैं विनती करती हूँ सोनिया जी से कि वो भारत आए, भारत देश में आकर पुलिस प्रशासन के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें, क्योंकि जब तक शिकायत दर्ज नहीं करेंगी तब तक इस केस की तहकीकात शुरू नहीं होगी, तब तक पता नहीं चलेगा कि उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है। सरिन जी, ये अक्सर क्यों होता है, लोग कई सालों के बाद, तनुश्री जी को ले लीजिए, कई सालों के बाद उन्होंने मीटू ला क्या कहा था नाना पाटेकर, अब सोनिया जी कह रही है, इतने सालों बाद क्यों कहते, ये पहले क्यों नहीं कहते, उस वक्त आवाज़ क्यों उठाता नहीं है। देखिए, बात ये है कि शुरुआत में जब हमारे साथ कोई हादसा होता है तो हम खुद को कसूरवार ठहराते हैं, हमें लगता है कि हमारी वजह से वो हादसा हुआ, अगर हम दोस्ती नहीं किए होते, अगर आरोपी के पास नहीं गए होते तो शायद वो दर्दनाक हादसा नहीं हुआ होता। और बहुत समय लगता है ये जानने के लिए, ये महसूस करने के लिए कि कसूरवार हम कभी थे ही नहीं, कसूरवार तो कोई और था जिसने हमारे साथ यौन शोषण किया, जिसने हमारे साथ ज्यादती की। लोग पूछते हैं कि अरे 2005 में आप कहते हैं कि मीटू आरोपी साजिद खान ने आपके साथ यौन शोषण किया, तो क्या आप इतने साल कोमा में थे? जवाब यह है कि इतने साल मैंने खुद को जिम्मेदार ठहराया, कसूरवार ठहराया अपने यौन शोषण का। 2018 में जब भारत देश में मीटू मूवमेंट शुरू हुआ तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं वो अकेली लड़की नहीं थी जिसका यौन शोषण मीटू आरोपी साजिद खान ने किया। तब हिम्मत पैदा हुई, हौसला पैदा हुआ और 2021 जनवरी में मैंने इस बात का खुलासा किया मीडिया के सामने, और हाल ही में मैंने पुलिस में जाकर मीटू आरोपी साजिद खान के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज की। इस पे भी आपके आरोप लगे कि आपने लालमेट बटोरने के लिए आपने सब किया है अपने? हाँ, जब भी महिला सामने आकर यौन शोषण का आरोप लगाती है या कोई शिकायत दर्ज करने जाती है पुलिस में, उस पर सीधे सीधे ये आरोप लगता है कि वो ये सब केवल पब्लिसिटी बटोरने के लिए कर रही है। अब ऐसे में पीड़ित महिलाएं क्यों जाएं पुलिस के पास? वो सोचती हैं अरे जाएंगे तो लोग और लांछन लगाएंगे, बोलेंगे ये देखो चली आई फेमस होने के लिए, पब्लिसिटी बटोरने के लिए। पहले क्यों नहीं कहा था, पहले क्यों नहीं शिकायत दर्ज की थी? सो रही थी क्या? हाँ। बेहोश थी क्या? कोमा में थी क्या? हाँ। इस तरह के लांछन लगाते हैं। और जब जाती है वो पुलिस में पीड़ित महिला, तो पुलिस पूछती है कि क्या आपके पास कोई सबूत है, हम कैसे मान लें कि आपका यौन शोषण हुआ? अब ऐसे में महिला सबूत कहाँ से लेकर आए? अगर वारदात कई दशक पहले या कई साल पहले हुआ हो तो महिला सबूत कहाँ से लेकर आए? पुलिस को महिला की शिकायत की कॉग्निजेंस लेकर एक FIR दर्ज करना चाहिए, तहकीकात करने के बाद आरोपी को बुलाना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन नहीं, पुलिस कहती है आपके पास सबूत क्या है कि आपका यौन शोषण हुआ? क्या महिलाओं को अपने हैंडबैग में या ब्लाउज में स्पाई कैमरा लेकर घूमना चाहिए? हाँ, हम जब मिलने जाते हैं किसी से या किसी के घर जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, स्पाई कैमरा लेकर जाएं? सबूत कैसे, कहाँ से लेकर आए, कैसे इकट्ठा करें? हम पूछते हैं अगर सच में ऐसा हुआ तो आपने उस समय क्यों नहीं बताया? क्योंकि उस समय हिम्मत नहीं थी। साजिद खान कोई मामूली इंसान नहीं है, वो बहुत बड़ा नाम है, वो फराह खान का भाई है। फराह खान कौन है? सलमान खान और शाहरुख खान की चहेती है। आज हिम्मत पैदा हुई और आज भी सवाल उठते हैं हमारी अखंडता पर, हमारी विश्वसनीयता पर,
कि आप सच बोल रही है, हम कैसे मान ले कि आप सच बोल रही है। पता लगाओ, तहकीकात करो, बुलाओ आरोपी को। तो क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है, इसलिए अधिकतर महिलाएं ऐसे वारदात के बाद चुप रहना ज्यादा बेहतर समझती हैं। तो कुछ ऐसी महिलाएं भी है जो झूठा आरोप लगाती है, कई बार ऐसा भी होता है, इसका फायदा भी उठाती है। जी बिल्कुल, ये बात आपने 100% सही कहा। कई महिलाएं गलत आरोप भी लगाती हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि जांच पड़ताल होनी चाहिए, पूछना चाहिए, अच्छा कब हुआ, कैसे हुआ, क्या उस समय कोई चश्मदीद गवाह था, अगर नहीं था तो आप कह रही हैं कि ऐसा हुआ है, ठीक है हम पता लगाते हैं, आप छानबीन कीजिए। बात यहाँ पर मीटू आरोपी साजिद खान के केस में शिकायत सिर्फ एक महिला ने दर्ज नहीं की है, कई महिलाओं ने मीडिया के सामने आकर बयान दिया मीटू आरोपी साजिद खान के खिलाफ, कहा कि उसने हमारे ब्लाउज में हाथ डाला, उसने हमें पैंट उतारने को कहा, उसने अपना लिंग स्पर्श कराया, उसने ये किया, उसने वो किया, बेडरूम में लेकर गया डीवीडी कलेक्शन दिखाने के बहाने, फिर बेड पर लेटने को बोला। तो क्या इन तमाम पीड़ित महिलाओं के बयान गलत हैं, झूठे हैं, और वो एक अकेला बंदा दूध का धुला है, सत्यवादी है? अच्छा, हम फिर आते हैं सोमी अली पे आते हैं। क्या लगता है आपको, डर के मारे उन्होंने रीट मार दिया होगा ये पोस्ट, या फिर क्या लगता है? सलमान खान भाई भाईजान कहते हैं उसको, भाईजान आज इंडस्ट्री आप जानते ही है। जी जी जी, भाईजान है। तो वो तमाम पीड़ित महिलाओं के भाईजान क्यों नहीं बन सकते? हमने भाईजान से कहा, भाईजान आपकी बहनों का आरोपी मीटू आरोपी साजिद खान आपके घर में बैठा है, बिग बॉस के घर में, आप अपनी बहनों के खातिर हमारे आरोपी को जरा बेदखल कर दो अपने घर से, इतना काम तो कर सकते ना आप। लेकिन नहीं, हमारे भाईजान ने हमारी बातों को, हमारी रिक्वेस्ट को, हमारी दरख्वास्त को ना अनसुनी कर दी। क्यों, हम उनके बहन नहीं लगते क्या, वो हमारे भाईजान नहीं बन सकते क्या? नहीं, उन्होंने साजिद खान को अपना भाई बना लिया, तो हम किसके पास जाएं, हम किसको अपना भाई माने? अरे एक चीज ये भी तो है मैम ना, क्योंकि वो बिग बॉस में है, टीआरपी मिल रही है उसकी वजह से, तो चैनल भी चाहता नहीं कि वो बाहर जाए, टीआरपी कम हो जाए, ये भी तो देखो सीधी सी बात है। हॉलीवुड में हार्वे वेंस्टीन जो मीटू आरोपी था, उनको 23 साल की सजा हुई, इस समय वो जेल के सलाखों के पीछे बंद है। यहाँ बॉलीवुड में मीटू आरोपियों को किस सजा, कौन सी सजा मिली, क्या दंड मिला उनको? कुछ भी नहीं, आराम फरमा रहे बिग बॉस के घर में, सेलिब्रिटी स्टेटस मिल रहा है उनको, हाँ पैसे भी मिल रहे, क्या करना, अपना सर खोल लेना। उनकी मौजूदगी उस घर में हम तमाम पीड़ित महिलाओं के गालों पर एक करारा तमाचा है। अब मेरे ख्याल से उसको जिताए बगैर, विजेता घोषित किए बगैर घर से निकालेंगे नहीं। कई लोग बोल रहे हैं कि वो नॉमिनेशन में आता है लेकिन जैसे तैसे उसको बचा लेते एविक्शन से, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब ये है कि बिग बॉस के घर में यौन शोषण करने वालों के लिए खास जगह है। अगर आपको बिग बॉस में भाग लेना हो तो क्या किया जाए, बहुत ही सरल रास्ता है, यौन शोषण। और आगे चलकर मुझे लगता है कि आतंकवादियों को भी शायद जगह मिलेगी वहां पर, चोरों चकों को भी जगह मिलेगी। क्यों, क्योंकि खास जगह है बिग बॉस के घर में ऐसे लोगों के लिए। मैं कहती हूं जब तक कोई दोष मुक्त नहीं होता तब तक उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित नहीं करना चाहिए, ना कंटेस्टेंट के तौर पर, ना जज के तौर पर, ना किसी सेलिब्रिटी के तौर पर। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है लोगों को। और रही बात सोमी अली जी की, तो मैं उनसे निवेदन करती हूं कि वो हिम्मत करके आए भारत देश में, हम भी देखते हैं उनका बाल कैसे बांका करता है कोई भी, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी, पुलिस प्रशासन का काम है हमारी रक्षा करना, और हम तमाम भारतीय महिलाएं एक सुरक्षा कवच बन जाएंगे उनके लिए। हम भी देखते कि कौन उनको हाथ लगाता, कौन उनको यहां पर डराता धमकाता। आप आइए यहां पर, आप शिकायत दर्ज कीजिए, आपकी आपके आरोपों में कितनी सच्चाई है उसकी तहकीकात पुलिस करेगी, उसके बाद
कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। नहीं, कोई उनसे अभी आखिरी आखिरी साल मेरा मैम ये रहेगा, अपने भाई पूछेंगे मेरे मैडम उनसे कोई बात पूछूंगा मैम अभी आपका जो पोस्ट डिलीट हुआ। जी नहीं, मैं उन्हें अभी फॉलो करना मैंने शुरू किया इंस्टाग्राम पर सोमी अली जी को, तो अगर वो ये इंटरव्यू देखेंगे तो समझ में आएगा उनको कि यहाँ पर उनके बहने बैठे हैं भारत देश में, आप पाकिस्तानी हो, आप रूसी हो, आप कहीं की भी हो, हम आपको बहन मानते हैं, आप प्लीज यहाँ पर आइए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, भारत देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, आप बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और आप प्लीज आइए, मीडिया से खुलकर बात कीजिए, बताइए आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, हम सुनने को तैयार हैं। तो मेरा सवाल यह था कि क्या होगा मैम, चलो वो आ गए, केस हो गया, क्या हुआ बताइए, तनुश्री दत्ता में केस में क्या हुआ, पकड़ा गया कोई नहीं? लोग यही पूछते हैं मुझसे, अभी आपने भी कहा, तुझे पहले भी कहा, मीडिया वाले यही पूछ रहे हैं क्या होगा कि चलो वो तो जाएंगी शिकायत दर्ज करेंगे, लेकिन न्याय का कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं? देखिए हाल ही में हमारे माननीय राज ठाकरे जी ने ये कहा कि पीड़ित महिलाओं को तत्काल इंसाफ दिलाने के लिए हम भारतीयों को लोकतंत्र त्याग देना पड़ेगा और शरिया कानून अपनाना पड़ेगा, क्योंकि शरिया कानून के तहत पीड़ित महिलाओं के आरोपियों को तत्काल सजा दी जाती है, ऐसा शरिया कानून कहता है। तो क्या अब ये दिन हमें देखने पड़ रहे हैं कि इंसाफ पाने के लिए क्या हमें शरिया कानून को अपनाना पड़ेगा? ये मेरा सवाल है आप सबसे, अगर ऐसा करना पड़ेगा तो हम शरिया कानून को अपनाने को तैयार हैं, हम बुरखे में रहने को तैयार हैं, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र में हमारा संविधान जो है वो अपराधियों को अपनी सफाई पेश करने का मौका दे रहे हैं और केस लंबा लंबा चलता रहता। अब जो सबूत होते हैं उनके साथ छेड़खानी कब कैसे होती है ये किसी को पता नहीं चलता, तो ये है, ये कीमत हम चुका रहे हैं लोकतंत्र में रहने के लिए। आपको मालूम होगा निर्भया कांड को होकर कुछ 12 साल हो गए, 10 साल हो गए, और उनको इंसाफ कब मिला? निर्भया जी के परिवार वालों को इंसाफ कब मिला? 10 साल बाद, 12 साल बाद। तो क्या हर किसी पीड़ित महिला के परिवार वालों को इतना लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा? नहीं चाहिए हमें लोकतंत्र, ले लो हमसे, नहीं चाहिए, शरिया कानून लागू कर दो, तत्काल इंसाफ मिलना चाहिए पीड़ित महिलाओं को। तो माननीय राज ठाकरे जी की इस बात से हम सहमत हैं। थैंक यू।